लेकिन पता नहीं क्यों आज रविराज को एकता के साथ साथ माधुरी की फिक्र भी हो रही थी। क्या ये प्यार है? सच में क्या ये प्यार है? क्या माधुरी भी उसमें उतनी इन्वॉल्व हो रही है जितना कि एकता है? और क्या रविराज भी माधुरी में उतना ही इन्वॉल्व होते जा रहा है जितना वो एकता के साथ हुआ करता था? ये सब चीज़ें फिलहाल इनिशियल लेवल पर ही चल रही हैं, लेकिन न जाने क्यों रविराज को बुरा लग रहा था कि माधुरी के सामने उसने एकता की जो बात छेड़कर शायद उसके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, शायद उसके एहसासों को, शायद उसके इमोशंस को। वो जानता है कि कहीं ना कहीं माधुरी भी उसे उतना ही चाहती है जितना एकता उसे चाह करती थी या फिर चाहती है। इसलिए उसके सामने एकता का मैटर निकाल कर उस पर बातें करना और अपने दिल का हाल बयां करना रविराज को थोड़ा अलग सा लगा। और अब उसे माधुरी की चिंता हो रही थी कि कहीं उसके दिल को रविराज की वजह से चोट ना पहुंचे। माधुरी एकदम सीधी सादी लड़की थी, एकदम सीधी सादी, तो उसके दिल के साथ ये खेल करना रविराज को एकदम से गलत लगने लगा था। उसे पता है माधुरी उससे खुद चलकर ये बात कभी नहीं कहेगी, क्योंकि उसे पता है कि रविराज और एकता का रिश्ता आज भी कायम है और वो हमेशा कायम रहेगा। इसलिए माधुरी कभी खुद चलकर अपने दिल का हाल कभी भी बयां नहीं करेगी, क्योंकि उसको शायद ऐसा लगता हो कि इस बात की वजह से शायद रविराज के दिल को ठेस पहुंचे, और ये चीज़ माधुरी कभी नहीं करना चाहेगी। बस यही तो एक प्यार होता है जिसमें हम से ज़्यादा अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। यही तो अपना त्याग होता है जो प्यार का दूसरा नाम है। इस त्याग के चलते ही हम अपने आप को भुलाकर सिर्फ अपने सामने वाले की दिल की तस्वीर को देख लेते हैं और हमेशा ये ख्याल करते हैं कि वो तस्वीर कभी टूट ना पाए और उसके दिल को कई ठेस ना पहुंचे। माधुरी को इस सब में परेशानी ना हो इसके बारे में रविराज अब सोच रहा था, इस सब में खुद ही खुद परेशान भी हो रहा था। उसे पता था कि उसके वजह से एकता कितना क्या कुछ झेल रही थी, और वो ये नहीं चाहता था कि उसके वजह से अब माधुरी भी ऐसी परेशानी उसके कारण झेल ले। एक अलग ही दौर था, एक अलग ही दिल का मातम, एक अलग ही दिल का हाल जिसे सिर्फ रविराज ही समझ सकता था, और वहाँ एकता। लेकिन बात अब माधुरी की भी हो चुकी थी। माधुरी ने सीधे सीधे पूछ लिया था रविराज से कि एकता को लेकर उसके दिल का क्या हाल है, और न जाने क्यों रविराज भी अपने दिल का हाल उसके सामने बयां कर पा रहा था। ये एक अलग ही माहौल बन चुका था उन तीनों में, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था, उन तीनों को भी नहीं। क्या करूं मैं? क्या मैं खुद चल के एकता से बात कर लूं, जो सब कह रहे हैं उसे ही मानकर मैं फिर से हम एक साथ हो जाएं, उन सब गमों को पीछे छोड़कर क्या हम फिर से एक साथ हो जाएं? क्या मैं ये सोचने के लिए इतना मजबूर हो रहा हूँ? ये सब सोच के रविराज अकेले ही अकेले अपने ख्यालों में खो चुका था। क्या अब वो वक्त आ चुका है कि मैं फिर से एकता को अपने गले लगाकर अपने रिश्ते को एक नए आयाम पर ले जा सकूं? क्या ये मुमकिन है? क्या एकता भी पिछले झगड़ों को भुलाकर फिर से उसी तमन्ना से फिर से रविराज से जुड़ पाएगी? जवाब तो हाँ था, लेकिन उसके बाद क्या? फिर से वही झगड़े, वही तनाव, वही प्रेशर उनके रिश्तों के बीच में अड़े आएंगे? रविराज इन्हीं बातों को लेकर बड़े संजीदा अंदाज से अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसका मन तो कह रहा था वो एकता से आगे चलकर एक बार बात कर ले, और उन बातों बातों में उनके सभी टकराव, सभी दूरियां,
सभी गम ही दूर भाग जाएंगे और वो फिर से एक हो जाएंगे। ये सब तो रवि भी जानता था, लेकिन क्या ये इस समय करना उचित होगा? अब तो बस एक साल होने को आया है उनके ब्रेकअप को लेकर। एकता हमेशा से ही रवि से बात करना चाहती थी इस सब्जेक्ट पर, लेकिन ये रवि ही था जिसने हमेशा इस बात को टालना सही समझा। शायद उन दोनों के बीच में शांति बनाए रखना एक ही मौका था जिसमें उनका रिश्ता हद से ज़्यादा आगे ना बढ़कर कुछ स्थिर मोड़ पर आगे चलते रहे। वो अब तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पूरा एक साल होने को आया था, लेकिन क्या ये दूरियां उनके उन्हीं रिश्तों पर इतना गहरा असर डाल पाएंगी? और फिर से एक नए रवि एक नए एकता के साथ आगे बढ़कर अपने रिश्ते को फिर से संभाल पाएंगे, या फिर वो पुराने तनाव पुराने टकराव पुरानी वो सभी परेशानियां वापस घर करके उनके इस रिश्ते को फिर से एक बार तोड़ मरोड़ कर रख देंगी? रवि यही सब चीज़ें अब तक सोच रहा था, क्योंकि यही चीज़ें उनके आने वाले रिश्तों को बनाने या बिगाड़ने का काम कर सकती थी, और यही चीज़ें रविराज को अब तक परेशान भी कर रही थी। इसलिए रविराज ने अब तक कुछ नहीं किया, सिर्फ शांति से बैठा रहा, शांति से गहराई से सोचता रहा कि आगे क्या किया जा सकता है। इस बीच में उसे माधुरी मिली। माधुरी के दिल का हाल उसे पहले से ही पता था, उसके बारे में वो क्या सोचती है ये भी उसे पता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि एकता और उसके रिश्ते के चलते माधुरी कभी भी अपने दिल का हाल उसके सामने कभी भी बयां नहीं करेगी। माधुरी सच में एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने प्यार को भी अपना प्यार नहीं मानती थी, क्योंकि वो अपने से पहले रविराज को अपना मानती थी और सब कुछ उसके हिसाब से आगे बढ़ाकर अपने दिल को एक तसल्ली देती रहती थी। उसकी खुशी में ही वो अपनी खुशी मान लेती थी। ये प्यार नहीं तो और क्या है? प्यार में तो त्याग ही करना पड़ता है, और उस त्याग में ही तो एक बहुत बड़ा आनंद छुपा होता है जो हम अपने पार्टनर के लिए हमेशा ढूंढते रहते हैं। बस यही तो माधुरी कर रही थी, और रविराज इसी बात के लिए परेशान भी हो रहा था कि कहीं उसके चलते माधुरी की ज़िंदगी वो कहीं ख़राब ना करवा दे। बस यही चिंता उसे खाई जा रही थी। ये सब सोचते सोचते अब उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला।
आओ आओ गोपाल दास आओ, मारी तो मैं वेट कर रहा था, अच्छा हुआ तुम जल्दी आए, ऐसे वक्त पर आए, आओ आओ। हाँ हाँ अनंत, कुछ देर तो नहीं हुई ना मुझे, लगता है वक्त पर आया हूँ। क्या कहना है तुम्हारा, वैसे वक्त पर काम करना तो कोई तुमसे सीखे, क्यों सही कहा ना? अरे भाई गोपाल दास, तुमसे कोई बातों में आज तक जीता है जो मैं अब जीतूंगा? वैसे ही तुमसे जीतना तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी दिस इज़ माई टीम अंडर स्पेशल परमिशंस, दिस इज़ मिस्टर गोपाल दास, यू नो द ऑनररी गृह सेवक ऑफ दिस स्टेट। और हाँ अनंत, ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स मिस्टर जयवंत और मिस्टर जनार्दन। हेलो सर, हेलो, वेलकम यू बोथ, प्लीज़ प्लीज़ कम। क्या हमें देर तो नहीं हुई है ना अनंत, क्या हम वक्त पर आए हैं? वेल, लग तो ऐसे ही रहा है, टाइम तो 8 बजे का दिया था और तुम 8 बजे से पहले ही आ गए, गुड। चलो अब हम हमारा काम आगे बढ़ाते हैं और सीधा आज के एजेंडे पर आते हैं, जो हमारे बीच में तुम्हारे बिजनेस प्रपोजल के बारे में जो हमें बातें करनी है, उस हिसाब से अभी हम हमारा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और बाद में देखेंगे इसके बारे में क्या सोच विचार हमें करना होगा। ठीक है गोपाल दास, तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर प्रेजेंटेशन विथ आवर बिजनेस प्रपोजल दैट वी आर लुकिंग फॉर इट। जनार्दन, जयवंत, प्लीज़ हैव अ से इन इट। यस सर, व्हाई नॉट, इट इज़ अवर प्लेजर। यस सर, माई सेल्फ मिस्टर जनार्दन लेले, and I would introduce our business idea to have a wide idea of our thorough business plan, which will be explained by Mr. Jayvan Gawde in later stages. So first of all, regarding this business proposal, I will introduce the business idea of this proposal. So let us start with that. This whole idea is revolving around the night activity program that our Mukhya Sevak Ji do want to carry in this particular state. So this has been passed as per regulation number 310 under section 43 dated 24 Jan this year. So us regulation ke hisab se humne ye night activity hub college activity ke hisab se humne mold kiya hua hai. Ye proposal hum pure 10 acre ke plot par develop karna chahte hain, जिसमें से कुछ हिस्सा ACCS कैंपस की तरफ चला जाएगा और बाकी कुछ हिस्सा हमारे बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से हमारे मैनेजमेंट बॉडी के पास रहेगा। इसका एक वाइड आइडिया मैं आपको अभी दे देता हूँ, जिसके हिसाब से आपको थरो बिजनेस आइडिया एकदम से क्लियर हो सकेगा। इसके बाद इट विल बी फॉलोड विद बिजनेस प्लान इट विल बी एक्सप्लेन बाय मिस्टर जयवन गावड़े। So let us start with our business idea. Well, the basic idea regarding this proposal is revolving around a night activity hub that our Honorable Mukhya Sevak Ji do want to carry in this particular state. So according to this new regulation, we have created this proposal for our state and our city. As a part of amalgamation of two bodies within this project, for ACCS part, we have considered indoor sports complex activity, that too of national level category for their part. And for our part, we are considering night activity hub, which will consist of night marriages, night tuitions, night colleges, night activities similar to the night activities given in the regulations passed by Mukhya Sevak Ji this year. So this is the overall body of this project, one which ACCS can handle, that too of indoor sports complex of national level category, and the other one is of night activity hub, which will be carried out by our management team. So that is the overall thorough idea regarding this proposal. Is proposal ke hisab se hum ACCS management ko ek indoor sports complex develop kara ke उनके मैनेजमेंट को दे देंगे। उसका पूरा जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो सभी एक्सपेंसेस हम नाइट एक्टिविटी हब के प्रॉफिट मार्जिन से उन्हें दे दिया करेंगे,
वो भी मंथली बेसिस। सो दैट वुड क्रिएट गुड काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स विद इन देयर बॉडी टू रन दी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंडर देयर अथॉरिटी। सिंस दिस इज अ नेशनल लेवल काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी आर क्रिएटिंग, इट वुड अलाउ गवर्नमेंट टू कंडक्ट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स टीज एट दैट पर्टिकुलर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये अपने शहर का दूसरा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा और अपने स्टेट का तीसरा। लेकिन अगर अम्यूनिटीज के बारे में देखा जाए, अपने स्टेट का नंबर वन रैंक्ड इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जो किसी भी तरह से बाकी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हिसाब से एकदम आधुनिक तकनीक से सजाया जा चुका होगा, क्योंकि इसके अम्यूनिटीज़ उन्हें पास किए गए हुए रेजुलेशन के हिसाब से अपडेटेड कर दिए हैं। और अगर स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचे, नेशनल लेवल्स के प्लेयर्स को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सब फैसिलिटीज़ हमें इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आसानी से मिल जाया करेंगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग ACCS बॉडी गवर्नड इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विच विल बी इक्वली शेयर्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज़ एट द टाइम ऑफ एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और प्लानिंग के हिसाब से अगर इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचे, तो उसके एंट्री एग्जिट्स, सर्विस कॉरिडोर्स, लोडिंग अनलोडिंग कॉरिडोर्स सब अलग होंगे, जिसका ACCS कैंपस से कोई दूर दूर तक भी नाता नहीं होगा। एज अ पार्ट ऑफ अमलगमेशन एज स्टूडेंट्स, ACCS कैंपस स्टूडेंट्स विल बी अलाउड to join indoor sports complex activities for their benefits. It is the call of their management itself, so we would not come in between of their decisions. So that is their part in thorough ways. We would not interrupt in their activities at any level. We'll be right back.